इस कार्यशाला की द्वितीय दिवस है। एक दिवस व्यतीत हो चुके हैं और चार दिवस के अवधि में आज द्वितीय है, दो दिवस और बचे हैं। इसको कैसा उपयोगी, प्रासंगिक और अर्थपूर्ण बनाया जाए, ये हम सबकी दायित्व है। कल रात्रि को सबको अच्छे नींद आए होंगे और शरीर को जो आराम की आवश्यकता है उसका पूर्ति हो गए होंगे। वैसा प्रवास में कुछ न कुछ असुविधा तो रहते ही हैं, लेकिन संपूर्ण संसार या भाव चक्र हैं, यह असुविधाओं का एक भंडार है। कभी समय ऐसा नहीं आते हैं जहाँ पर कोई असुविधा ना हो, सुविधा ही सुविधा हो ऐसा संभव होता नहीं। कल विशेष स्थापना के बाद बहुत सा उपयोगी सुझाव, अनुभव और दृष्टिकोण लोगों ने साझा किया है, वो बहुत अच्छा रहा, जिसके माध्यम से कई नए प्रश्न भी प्रस्तुत हुआ है। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा है कि आज प्रातः कल उठाए गए प्रश्नों के ऊपर तात्कालिक रूप से विमर्श नहीं करेंगे, अपितु जो मूल विषय हैं, मौलिक चित्त और साधारण तार्किक बुद्धि, द ओरिजिनल माइंड एंड ऑर्डिनरी रैशनल माइंड, ये दो रखा गया है। इसको ठीक समझने की चेष्टा इन तीन दिनों में करना चाहिए। आज हम विभिन्न प्रश्नों पर उलझ जाएंगे तो ये मुख्य विषय छूट जाएगा, तो इसलिए कम से कम आज जो प्रातः सत्र हैं यह ऑर्डिनरी रैशनल माइंड की पहचान, उसके लक्षण और उसके गुण दोष, लाभ हानि के विषय में थोड़ा एक अगर होकर के विचार विमर्श किया जाए, ये सुझाव था। यहाँ पर साधारण की या ऑर्डिनरी की शब्द सामान्यता रूप से जैसा ऑर्डिनरी होता है उसको ही परिरचित होगा, परंतु ये शब्द कहने वाले की दृष्टि में एक अर्थ नहीं था, वो संभवतः आधुनिक एजुकेटेड लोगों के ये साधारण का शब्द जो है वो शिक्षित हो नहीं हो उसकी बात नहीं है, एजुकेटेड लोगों की बात है। एजुकेटेड लोग अपने को रैशनल मानते हैं और उनका रैशनलिटी शास्त्रीय दृष्टि से उसमें बहुत सा त्रुटि होते हैं और उसमें विशेषता कुछ नहीं होता है, सब साधारण होता है, तो इसलिए साधारण रैशनल माइंड, ऑर्डिनरी रैशनल माइंड के शब्द को प्रयोग किया गया। त
तार्किक दृष्टि जो महाविद्या स्थान पांच हम लोग मानते हैं, उनमें से न्याय विद्या या परमाण विद्या ये सब लॉजिक के संबंधित विद्या है, जिसका विकास जितना भारतवर्ष में हुआ प्राचीन समय में, उतना कहीं पर भी इस विद्या के विकास नहीं हुआ। तो इसलिए भारतीय पद्धति की न्याय या हेतु विद्या भी कहते हैं, न्याय विद्या भी कहते हैं, न्याय भी कहते हैं। सो इसी विद्या का बहुत विस्तार से विकास हुआ है। तो इसलिए जो पश्चात लॉजिक के नाम से एक विषय पढ़ाए जाते हैं, वो बहुत ही प्रारंभिक विद्या है। उस विद्या से न्याय की, तर्क की, लॉजिक के सारे आयाम प्रस्तुत नहीं होते हैं। एजुकेटेड लोग लॉजिक विद्या की अध्ययन किया हो इसका भी आवश्यकता नहीं है। अधिकांश लोग लॉजिक लेते नहीं हैं आधुनिक विषयों में भी। तो इसलिए जो आधुनिक लॉजिक पश्चात में जो विकसित हुआ है, लॉजिक एक विद्या का विषय है, उसका अध्ययन भी बहुत गहराई से होता नहीं है। फिर भी अपने को रैशनल मानते हैं, तार्किक मानते हैं, कोई चीज़ बिना परीक्षण किए हुए विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा एक बोध उन लोगों के मन में रहता है। तो इसको ठीक समझने के लिए मैं बहुत संक्षिप्त में हेतु के माध्यम से अप्रोच विषय को अनुमान प्रमाण से कैसे सिद्ध होता है, उसके लिए अत्यंत आवश्यक रिक्विजिट क्वालिफिकेशन कहना चाहिए, आवश्यक अर्हताएँ क्या है, ये नागार्जुन की साक्षात शिष्य आर्यदेव ने अपने चतुष्टक में लिखा है कि एक तो सबसे पहले जो आवश्यकता है वो तटस्थ बुद्धि, पूर्व आग्रह से रहित, जिस चीज़ को जानना चाहते हैं उस चीज़ के विषय में अपना कोई निर्धारित मत नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ को परीक्षण करना है तो उसमें सब चीज़ खुले रखना चाहिए, उसमें पहले से ही ऐसा है या ऐसा नहीं है, ऐसा अपने मन में निर्णित होगा, निर्णय कर लिया होगा, तो फिर आगे की परीक्षा उसके प्रभाव में आ जाएंगे। और दूसरा जिज्ञास, जिस विषय में परीक्षा करने जा रहे हैं उसको समय की दृष्टि से जाने की इच्छा होना चाहिए, प्रबल इच्छा होना चाहिए। समय की दृष्टि से जाने के अर्थ ये हैं कि मैं ऐसा जाना चाहता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। जो भी होगा, मेरे अनुकूल या मेरे प्रतिकूल जो भी होगा, जो हैं उसको मैं जानना चाहूँगा, इसका एक हिम्मत भी होना चाहिए और इसकी इच्छा होना चाहिए। सुरने लोदेन ढूंढे यवनुचार्षे, और उसके साथ तर्क विद्या की जानकारी, किस प्रकार की हेतु से, किस प्रकार से के प्रमाण से
किस प्रकार के विषय को सिद्ध किया जाना चाहिए, उसमें प्रवीण होना चाहिए। अगर ये तीन चीज जिस व्यक्ति में हो वो तार्किक के बनने के योग्य हैं और वो तर्क के माध्यम से बहुत सा चीज को जान सकते हैं। आधुनिक एजुकेटेड लोग हैं वो पहले तो ये सोचते हैं कि दुनिया की हर चीज़ को हम जानते हैं या नहीं जानते हैं तो मैं देख लूँगा, इंटरनेट से खोज लूँगा, इंसाइक्लोपीडिया देख लूँगा, उसमें जान लूँगा। सूचनाओं का आज कोई शॉर्टेज नहीं है, कमी नहीं है, हर चीज़ का सूचना मिल जा सकते हैं। आज कोई भी ऐसा विषय नहीं होगा जिसके ऊपर विकिपीडिया में या इंसाइक्लोपीडिया में चर्चा नहीं की गया हो या कोई सुना नहीं दिया गया हो। तो जिसके पास स्मार्टफोन है या कंप्यूटर है तो वो झटपट देख लेंगे। और बहुत से विषय पर पूर्व आग्रह रहते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, या ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट और व्हाट शुड बी, ये दोनों पर अपने विचार रखते हैं। ये इतिहास से ऐसा विचार रखता हो ऐसा भी नहीं है। आधुनिक शोध पद्धति में भी ये कहा जाता है कि पहले हिपोथेसिस बनाओ, तुम्हारा हिपोथेसिस क्या है। तो वो पूर्वाग्रह है कि हम अपने मन से एक चीज़ को स्थापित कर देते हैं, उसके बाद उसके परमाणुओं को, हितों को खोजना शुरू करते हैं। तो इसलिए शोध की परिणाम तो पहले से हमने रख लिया और फिर उसके बाद खोजते हैं। और तीसरे पक्ष बहुत बड़ा चीज़ ये है कि अगर कोई शोध विषय स्व से संबंधित हो या हमने कोई कार्य कर लिया है, अब उस कार्य की उपयोगिता, अनुपयोगिता, समयिकता या असमयिकता, कुशलता अकुशलता के ऊपर अगर कोई शोध करना हो, तार्किक दृष्टि से उसको सिद्ध करना हो, तो यहाँ पर स्वार्थ प्रबल हो जाता है। जो हमने कर लिया है वो सही है, न्याय संगत है, उसको सिद्ध करना चाहिए, इस आग्रह के साथ फिर परमाणुओं को जुटते हैं। तिब्बत में कहावत है, आपके अपने बाप को मरने वाले के पास भी आगू करने के लिए बहुत सा चीज़ रहते हैं। मुझे ऐसा बेहोश हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, मैं क्या करूं, और अपने पिता को कत्ल करने के अतिरिक्त मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचे थे, वगैरह वगैरह। तो इसलिए एक हिपोथेसिस पहले रख लिए हो या एक अपने स्वार्थ को पहले रख लिया हो, तो उसके बाद जितना भी प्रमाण जुटाएंगे, हित जुटाएंगे, वो सब अपने हृदय में एक चाह है, एक तृष्णा है, उस तृष्णा को स्थापित करने के लिए, न्याय सिद्ध करने के लिए, वो गलत नहीं है, वो सही है, इसलिए करने के लिए जुटाते हैं। तो इसलिए वो एक तरबा हो जाता है, उसमें कोई नैतिकता या उसमें कोई निष्पक्ष की जो आवश्यकता है वो नहीं रह जाते हैं। और दूसरे चीज़ ये है
कि हितों को, परमाणुओं को देखने की भी एक अनपोल्यूटेड, दोष रहित दृष्टि चाहिए। जो घटना घटते हैं उस घटना को जैसा घटित होता है उस दृष्टि से देखें। उस पर भी आधुनिक एजुकेशन के माध्यम से बहुत सा पद्धतियाँ, थ्योरियाँ और सिद्धांतियाँ बनाया बनाया हुआ है, उससे भी परीक्षा करने वाले की मन पर बहुत सा बोझ रहते हैं। परंपरा वाला ये कहते हैं कि हर चीज सहयोग से उत्पन्न होता है। गेहूं का बीज सूखे बोरे में पड़े हैं, सालों साल पड़े रहें, अंकुरित नहीं होंगे और उससे दूसरा गेहूं उत्पन्न नहीं हो सकेगा। जब वो जमीन में बोया जाएगा, जमीन मिलेंगे, पानी मिलेंगे, ओशन मिलेंगे, हवा मिलेंगे और इन सब के सहयोग से वो अंकुरित होगा, फिर वो एक दाना से हजार दाना और उत्पन्न होगा। तो ये सहयोग के किस तरह से होता है वो देखते हैं। और आजकल पश्चात में बहुत सा थ्योरी ऐसा है कि ये सहयोग नहीं, संघर्ष है। बीज अपने जगा रहे हैं तो वो ठीक है, अपने सुरक्षित रहते हैं, और वो जमीन में गाड़ देते हैं तो जमीन के साथ संघर्ष होगा, पानी के साथ संघर्ष होगा और उष्णता के साथ संघर्ष होगा, नष्ट हो जाएगा स्वयं को। नष्ट होने के बाद फिर अंकुरित निकलते हैं। तो ये पहले स्वयं को नष्ट करो बहुत संघर्ष करके, और उस द्वंद्व के माध्यम से थीसिस, एंटीथीसिस, उसमें से सिंथेसिस निकलता है। ये दिमाग में सब लोगों का छाया हुआ है। तो इस तरह के दृष्टिकोण से जो हितु की प्रक्रिया को देखेंगे तो परिणाम एक ही जैसा निकल सकते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया को देखने की दृष्टि जो है वह प्रदूषित हैं, समय की दृष्टि नहीं है। संघर्ष और सहयोग, ये दो चीज प्रकृति के नियम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जो भारतीय दार्शनिक प्रस्थानों में बौद्ध दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रतिसमुत्पन्न, और इसमें इंटरडिपेंडेंटली ओरिजिनेटेड, इंटरडिपेंडेंट थियरी। सो इंटरडिपेंडेंट जो है वो डिपेंड संघर्ष के रूप में होता है, वो डिपेंड सहयोग के रूप में होता है। यह केवल देखने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण को उपज है, और यथार्थ में डिपेंडेंसी तभी हो सकता है जिसमें मिलने की, मिल मिलाप की संभावना हो। एकदम मिलते ही संघर्ष शुरू होगा तो उसमें डिपेंड नहीं किया जा सकता है, आश्रित नहीं होता है तो पहले ही नकार देगा। तो इसलिए आश्रित होने का अर्थ है कि उसमें सहयोग है, उसमें दोनों तरफ से सहमत होने पर ही वो मिलन होता है, डिपेंडेंसी होते हैं। तो इसलिए प्रतिसमुत्पन्न की जो विस्तार से
व्याख्यान करते हैं तो मिलन और संयुक्त फिर निवर्ता, ये तीन क्रम। पहले तो दो वस्तु एक साथ एकत्रित होना चाहिए, मिलना चाहिए, और जो एकत्रित होने के बाद उसमें समरसता उत्पन्न होगा, समरसता उत्पन्न होगा तो एक दूसरे को रिजेक्ट नहीं करेंगे। जो रिजेक्शन नहीं होता है तो फिर वहाँ पर निवर्ता, डिपेंडेंसी तभी संभव होता है। तो ये यथार्थ के साथ एक दृष्टिकोण बनते हैं, और दूसरा दृष्टिकोण है सब चीज़ें आपस में संघर्षी होता है, तो वो देखने की तरीका है। तो इस तरह से बहुत सा सीमाएं हैं जिसका गिना नहीं जा सकते हैं। जेतु कृष्णमूर्ति बहुत संक्षेप में अपने विषय को प्रस्तुत करते थे कि अवेयरनेस ऑफ द लिमिटेशन ऑफ थॉट, लिमिटेशन ऑफ थॉट के शब्द में ये सारे चीज़ आ जाते हैं। हमारे जो परिकल्पना की क्षमता है उसमें हर जगह सीमाएं हैं। अगर वो सीमा को अगर हम बोध होता है, अवेयर होता है, तो हम उस सीमाओं से बंधे बिना अपने कार्य संपन्न कर सकते हैं। अगर हम उस सीमा को नहीं देखेंगे तो अदृश्य रूप से जो हम लोगों की जानकारी में नहीं होते हुए भी उन सीमाओं से हम बंध जाता है, और उन सीमाओं से हम बंध गया तो हम एक प्रकार से प्रभावित हैं, कलुषित हैं, और उस कलुषित चित्त से यथार्थ को, फैक्ट्स को, ट्रूथ का मैं शब्द नहीं लूँगा, यथार्थ को या फैक्ट को जो हैं, जो यथार्थ में हैं, उसको देख नहीं पाएंगे। उस पर कुछ न कुछ आप अपने ओर से या तो जोड़ देंगे या तो घटा देंगे। तो इस प्रकार की जो तार्किक हैं, जिसको रैशनलिटी समझते हैं, वैसा भी सुंदरता की परिभाषा और मेलोडी की परिभाषा, ये सब अलग अलग क्यों होते हैं? है तो ये मनुष्य के चित्त की और उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के माध्यम से ये सब निर्धारण करते हैं, लेकिन जो अनुशासन में हैं, व्यवस्थित हैं, उसको कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग उसको बिगाड़ करके, अनुशासित करके, या आरज में कहें ऑर्डर को नकार करके डिसऑर्डर में रखें तो उसमें ब्यूटी देखते हैं। तो परंपरा के कला में, आर्ट में, और आधुनिक के आर्ट में क्या अंतर है? परंपरा में कोई अनुशासन चलते हैं, चाहे शब्द होगा तो व्याकरण के अनुशासन चलेंगे, कोई कलर होगा तो कलर के कॉम्बिनेशन, कंट्रास्ट, ऐसा करके उसका एक अपना ऑर्डर रहता है। जो रूप होगा, आकार होगा, तो उस आकार को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए, उससे एक ये सुंदरता की बोध बनते हैं। तो वो दोनों को जो आधुनिक
और पारंपरिक है। एक दिन एक आधुनिक कलाकार के साथ बनारस में रिक्शा में साथ जा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे समझ तो नहीं आते हैं आपके आर्ट क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या ब्यूटी है, तो आप ज़रा समझाएंगे। तो हाँ हाँ जरूर समझाएंगे। तो रास्ते के बगल में एक बकरी घास चबा रहा था, तो उन्हें कहा कि आज परंपरा के आर्ट में आप पूरा बकरी चित्रण करोगे, पूरा घास चित्रण करोगे और वो खा रहे हैं उसको भी चित्रण करोगे, इतना विशाल काम अब एक साथ करते हो। हम अपनी कला वाला चबा रहा है, जो चबा ना उतना ही हम चित्रण करेंगे। फिर मैंने कहा को कैसा चित्रण हो सकता है बिना मुंह के बिना घास के? कहते हैं नहीं, कोई कलर ऐसा रख दो ऐसा बोध हो जाएगा कि चबा रहे हैं। तो फिर भी मेरे समझ में तो नहीं आया, लेकिन ये चबा रहे हैं या चबाना यह ब्यूटी का विषय बन सकता है, और इसके लिए कोई अनुशासन की कोई कार्यक्रम की कालक्रम की या चित्रों की अपना ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई तो इस प्रकार की जो मानसिकता है तो उससे रैशनैलिटी को तर्कवाद को कहाँ ले जाते हैं ये हमें विचार के बिंदु हैं, और उससे मनुष्य के हित को साधने में निरंतरता और हमेशा सहायक होंगे, या उसमें भी कोई संशय बच जाता है ये दूसरा विषय है। मानव जीवन जो है वो पुरुषार्थ को साधने के लिए होता है, पुरुषार्थ की भी डिफिनेशन या उसके लक्षण भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन उस भिन्न होने पर भी कोई न कोई परिणाम के सिद्धि के लिए हर कार्य होते हैं, और इसलिए कार्य और कारण की ऑर्डर हैं, व्यवस्था है, उस व्यवस्था को नष्ट करने से मानव चित्त के विकास में क्या इफेक्ट होता है, उसको जैसा प्रकृति की नियमों से जैसा बने हैं वैसा बने रहें और उसके साथ हम समन्वय हो जाए, समरसता हो जाए, तो हमें क्या मिलता है। ये मूल विचार करने की बिंदु है। ये थोड़ा सटल भी हैं, बहुत ध्यान से अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो इसका लक्षण उतना स्पष्ट नहीं है, कभी कभी भ्रमित भी हो सकता है, लेकिन वो एक मनुष्य होने के नाते हम पशु से थोड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसलिए मैं ये कहने जा रहा था कि ऑर्डिनरी रैशनल माइंड की प्रक्रिया कैसा होता है, उसका काम कैसे करते हैं, उसको एक तटस्थ व्यक्ति उसको देखेंगे तो किस रूप में देखेंगे, और जिसमें कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, यथार्थ को देखने की इच्छा से ही उसको आप
देखने की चेष्टा करेंगे तो वो कैसा परिलक्षित होंगे। तो उसके बाद जो इस समय प्रचलित सर्वव्यापक रूप से प्रचलित ऑर्डिनरी रैशनल माइंड की जो फाइंडिंग्स है उसके माध्यम से परिचित परिणाम हैं वो हम प्रमाणिक रूप से माने जा सकते हैं या माने लायक हैं नहीं हैं ये परीक्षा करने की बिंदु मूल बिंदु जैसा बनते हैं। तो मैं शब्दों को ज़्यादा विस्तार ना करते हुए कुछ विचारणीय बिंदु मैंने निवेदन किया है और इसके तत्काल इसके संतत में मैं गुप्ता जी से निवेदन करूँगा कि वो कुछ टिप्पणी करें ताकि आज का सारा स्तर जिस दिशा में या जिस चीज़ को हमें शोध करना है उसको थोड़ा और लोगों का ध्यान आकर्षित हो सकें। धन्यवाद।